कोई बर्ड फाइल है और आप बर्ड फाइल के अंदर लिंक को ऐड करना चाहते हैं, ये लिंक वेबसाइट का हो सकता है या फिर पर्टिकुलर किसी फाइल का, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लिंक ऐड करना, एडिट करना या डिलीट करना। तो इस वीडियो में तीनों कंडीशन लेकर चलेंगे, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसी कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं, हमें लिंक ऐड करना हो एमएस वर्ड फाइल में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर वेबसाइट लिंक की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर लिखा है, मैं यहाँ पर इस वर्ड के अंदर एक वेबसाइट का लिंक ऐड करूँगा, है ना। तो सिंपल से आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपको लिंक बनाना है, एंड आपको जाना है यहाँ पर इंसर्ट में, एंड यहाँ पर मिलेगा आपको हाइपरलिंक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट का लिंक डालना है, तो आपको यहाँ पर इंटरनेट ओपन करना है। कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लीजिए गूगल के अंदर जिसका आप लिंक डालना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने पहले से वेबसाइट को ओपन कर लिया है, हम इसका लिंक डालेंगे, इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस एड्रेस में पेस्ट कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक बन जाएगा, जैसे इस पर कोई यूज़र क्लिक करेगा तो लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वेबसाइट लिंक बना दिया। सपोज अगर हमें फाइल का लिंक बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर सिस्टम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर से आते हैं हाइपरलिंक में, और हाइपरलिंक में जाने के बाद आपकी फ़ाइल कहाँ पर है, तो फाइल हमारी डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी फाइलें होंगी। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ फाइलें दिखेंगी, आपको कौन सी फाइल अटैच करनी है, सिंपल सा आप उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हम एक्सेल फाइल को अटैच करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट का जो लिंक है वो बन चुका है और यहाँ पर फाइल लिंक बन चुका, तो आप जिस पर क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ हमने बात कर ली कैसे हम वेबसाइट या फाइल का लिंक बना सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। अब दोस्तों अगर चेंज करना है लिंक तो कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा सिलेक्ट कर लेना है इसको ही जहाँ तक आपने लिंक बना है, और फिर से आपको हाइपरलिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिंक बना है इसको बस चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर रखना है गूगल का लिंक, तो मैं गूगल टाइप कर देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ गूगल के URL को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिंक चेंज हो गया, अब यहाँ पर गूगल का लिंक आ गया। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं लिंक को। तो यहाँ पर हमने लिंक चेंज करना भी सीख लिया। अब बात आती है रिमूव कैसे करेंगे, अगर रिमूव करने की रिक्वायरमेंट है तो लिंक रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है लिंक को, ठीक है, और राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से लिंक रिमूव हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से रिमूव कर लीजिए कि लिंक आपको कौन सा रिमूव करना है। तो इस तरह से हम वर्ड फाइल के अंदर लिंक बनाते हैं, एडिट करते हैं और रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।